वेट कर रहा हूँ मैं उस क्वेश्चन का। हाँ हाँ चलो इसी वक्त चलते हैं, बहुत अच्छा लगा ये इंटरव्यू करके। नहीं बट अभी प्लान ये है कि काम पे फोकस करना है, नए वेंचर्स पे फोकस करना है। ऑफ कोर्स वी विल हैव किड्स बट अभी वो प्रायोरिटी नहीं है। अभी हम वील आर किड्स एंड आर बेबीज विल बी द फ्यूचर वेंचर्स। सूजी का हलवा बनाया था इन्होंने, वो पहली रसोई थी इनकी, लेकिन वो घी में बनाई थी, तो मैं घी एलर्जिक हूँ तो मैं खा नहीं पाया। बट फैमिली वालों ने सबने बहुत इंजॉय किया, इनकी फैमिली थी, मेरी फैमिली थी, अलग टाइप की रसोई थी, अलग अलग टाइप की रसोई की। इनके मम्मी पापा आए थे, मेरे मम्मी पापा आए थे हमारे घर में, हमने कहा आप हमारे घर आओ हम आपको खिलाते हैं, और मेरी दोनों मम्मियाँ, मेरी मदर इन लॉ एंड मेरी मॉम पीछे खड़े होके अभी सूजी डाल, अभी पानी डाल, तो मैंने कहा आप ही बना दो, तो बोलते दे बना देते हैं। मैंने कहा यार मेरी रसोई है थोड़ी, मेरी इज्जत मुझे अपने आप रखने दो। तो वेरी फनी बट इट एवरीबडी लव्ड इट। नहीं कोई डिफरेंस, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सिर्फ ये कहने के लिए मंगलसूत्र होता है, चूड़ा है, बट मुझे ऐसा लगता है 13 साल से जो हम साथ हैं इट्स मोर लाइक अ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप ऑलरेडी, है ना, हैज वी वर मैरिड, ये हमने ये तो फॉर्मलाइज किया है। हाँ बट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं घर की, जो अच्छी बात है। कभी कभार तो हमें वो स्टेप लेना पड़ेगा, कब मम्मी पापा के अंडर बेचारो उनको तकलीफ देते रहेंगे। तो अल्टीमेटली वी डिसाइडेड कि अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का वक्त है, बहुत हो गया। बहुत ही ग्रेटफुल है हम कि इतना प्यार मिला है, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा सोशल मीडिया सब फैंस से प्यार मिलेगा, बट रियली रियली थैंकफुल। सही बोल रहे हैं, मैंने कभी नहीं, हमने प्लानिंग के पर्पस से प्लानिंग की थी शादी की, और उसका रिजल्ट और आउटकम ये होगा ये हमने नहीं सोचा था। और जो प्यार मिल रहा है ये बिल्कुल हमने एक्चुअली इमेजिन और गेज ही नहीं किया था, और जब ऐसा मिल रहा है अब तो समझ ही नहीं आ रहा कि इसको रिसीव कैसे करें। उसके लिए हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि वी आर रियली रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल सबको जो गाए, जो हमने आइल वॉक पे गाना गाया वो इतना अच्छा लगा, तो हमने इतना तो कर दिया कि चलो एक गाना तो हम अपना जो कहानी सुनो, मेरे वर्जन है, मेरा रेंडिशन है, वो हम रिलीज कर देते हैं। सो दैट्स व्हाट वी डिड। जब आयल वॉक ट्रेंड हुआ था विद दिस सॉन्ग तो हम ऑलरेडी बहुत बहुत खुश हो गए थे, तो अभी हमने सोचा कि इस गाने को प्रॉपरली रिलीज़ कर देते हैं, एंड वी थॉट ऑफ ओपनिंग आवर ओन रिकॉर्ड लेबल ऑल्सो, जिसका नाम इन्होंने दिया है फील गुड ओरिजिनल्स, एंड उसी के थ्रू हमने गाना भी रिलीज़ कर दिया है। क्योंकि गाना सुनते हो तो बड़ा अच्छी सी फीलिंग आती है, लोग बोलते हैं कि कहानी सुनो, एक्चुअली एक इमोशनल गाना है, बट हार्ट ब्रेक सॉन्ग है। तो करण ने कहा कि इसको हम हैप्पी सॉन्ग एक ब्राइड के वर्जन से, एक ब्राइड के पर्सपेक्टिव से बनाएंगे, एंड हमने फिर उस पे करण ने कुछ लिरिक्स अपने बनाए। मैंने कहा कि करण मैं तो शायद अच्छा ना, मेरी आवाज़ अभी तक आई नहीं है भाई। हाँ एक महीना होने है, कल एक महीना हो जाएगा शादी को। तो करण ने कहा, मैंने कहा मैं गा नहीं पाऊँगी, लेकिन करण ने कहा नो यू विल बी एबल टू सिंग, आई एम टेलिंग यू टू एक बार कोशिश कर, एंड आई थिंक वो होते 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 जो एंड रिजल्ट आया और फिर अनबिलीवेबल। हाँ जी हाँ जी, मोर देन चैलेंजिंग आई थिंक इट वाज अ लॉट ऑफ फन, हमारे लिए बहुत फन था ये। तेरे लिए बोल। हाँ मेरे लिए बहुत, मेरे लिए नहीं, मैं स्ट्रेस में थी। हाँ बट बहुत फन था, हमने बहुत ही इंजॉय किया प्लानिंग करना, एंड जो भी है दिल से किया तो इसलिए सब अच्छा भी हुआ। हाँ मतलब बहुत एक्चुअली क्या होता है ना, बड़ा रेयर केस में ऐसा होता है कि आप यूजुअली तो हर कोई शादी में प्लानर्स ही होते हैं, बड़ा रेयर केस होता है कि हाँ लड़का लड़की जो ब्राइड और ग्रूम है वही शादी अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। तो हम तो बैठ बैठ के कैफेज में मीटिंग्स करते थे कि अच्छा यहाँ से गाड़ी इसको लेने जाएगी, यहाँ से जो कार से 8 बजे की फ्लाइट से आ रहे हैं वो, ये सारे लॉजिस्टिक्स के काम, डेकोर का काम, कौन सा फंक्शन कहाँ होगा, मत पूछो क्या क्या हुआ है। शाम के 5 बजे वरमाला का टाइम था, चार बजे तक तो मंडप ही रेडी नहीं था, तो आप सोच ही सकते हो। तो जो शाम की और दिन की शादी होने वाली थी वो रात को 9 बजे हुई है, तो मैं दूल्हे के कॉस्ट्यूम में मंडप सेट कर रहा था क्योंकि उस दिन बारिश हो गई थी। तो डांस मूव भी काफी अच्छा
डांस मूव सूफी अच्छा अच्छा यार रक्षक को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था मैं हरियाणवी बोल पाऊंगी और अच्छी लोगों को अच्छी लगेगी, लोग वो डिफ्रेंशिएट कर पाए कि ये सुरभि चांदना नहीं है, ये मतलब कैरेक्टर को कैरेक्टर की तरह देखा है और बहुत अच्छी बात, वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है एंड आई थिंक आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर इन दैट सेम जॉनर। हम दोनों रोमांटिक हैं, मैं ज़्यादा शो करता हूँ। हाँ देखा बताएंगे वो क्यों। मैं ज़्यादा शो करता हूँ बट इनका अलग तरीका अपना रोमांस दिखाने का, ये बहुत इनका शोशा वाला है। हाँ मेरा शोशा वाला है, ग्रैंड एकदम फिल्मी। ये इंडस्ट्री से नहीं है लेकिन इनके अंदर फिल्में कूट कूट के भरी हैं। इनसे ज़्यादा बॉलीवुड पिक्चर मैंने देखी है। पूछ लो कुछ सवाल, इंसाइक्लोपीडिया है ये, बता देंगे सब। ऐसा है इनका सुरभि को मुझमें दिखता है। आपको सुरभि में कौन सा कैरेक्टर दिखता है? ये अपने आप में एक कैरेक्टर है, इनकी तरह कोई कैरेक्टर नहीं बना है, ना कोई मूवी में ना कहीं। अच्छा ठीक है, थैंक यू। हाँ जी बनाएंगे एज एक्टर्स। नहीं नहीं ये तो नहीं वो बहुत इनका क्रिएटिव एस्पेक्ट बड़ा अच्छा है, ज्यादा अच्छा। शायद डायरेक्टर बन जाए बट नहीं, म्यूजिक बना सकता हूँ, फिल्में बना सकता हूँ बट एक्टिंग नहीं कर सकता, ना गा सकता हूँ, ना गा सकता हूँ। तो जहाँ मैं अच्छा हूँ मैं वहाँ अच्छा। हाँ अच्छा। जी अब वो बहुत दूर का सवाल पूछ लिया आपने, अभी अंडा निकला नहीं है तो मैं ऑमलेट का डिजाइन कैसे सोचूं। बहुत टाइम है इसके बाद। चलो थैंक यू गाइस, चलो थैंक यू वाला को। हां टाइटैनिक को या हां तेरे में गाड़ी हो यार, बनू मैं तेरी दुल्हन। नहीं दुल्हन, चलो थैंक यू मैडम जी। यहाँ देखो शादी मुबारक हो। मुबारक हो शादी, कल एक महीना हो जाएगा, मुबारक कर दो। राइट में देखो मैडम जी, करो तेरे को मसाला चाहिए, क्या करे आपके लेट में देखो मैडम जी, यहाँ देखो साथ में देखो इधर सेंटर में सामने सामने मनोज के कैमरे में। थैंक यू थैंक यू।